हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमा आर्ट गैलरी। आई होप यू वुड हैव ट्राइड माय फर्स्ट पार्ट ऑफ हाउ टू ड्रॉ रियलिस्टिक आईज वीडियो। टुडे आई एम स्टार्टिंग द सेकंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो, सो लेट्स प्रैक्टिस विद मी। सबसे पहले हम आईब्रोज बनाएंगे, 2B से स्ट्रोक डालकर फिर इसे ब्लेंड करेंगे। जैसा हमने पहले किया था, फिर से 8B से स्ट्रोक डालकर ब्लेंड करेंगे। अब हम यहाँ पर आईलिड्स के ऊपर के पार्ट को ग्रेफाइट पाउडर से ब्रश की हेल्प से शेड्स डालेंगे। ये ध्यान रखना है कि बहुत ऊपर की तरफ नहीं करना है, जो हमने आउटलाइन बनाई है उसी के अंदर ही ब्रश से शेड्स डालने हैं। बाहरी कॉर्नर से अंदर की तरफ पहले लेफ्ट में फिर राइट में यही प्रोसेस करेंगे और बीच के पोर्शन को थोड़ा लाइट रखेंगे। अब हम आई के ऊपर 2B पेंसिल से जिगजैग डिजाइन में हल्की हल्की डिटेलिंग करेंगे। फिर इसे हल्के हाथ से ब्लेंड करेंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर स्टैम्प्स नहीं है तो आप ईयरबड का यूज कर सकते हैं। अब हम 6B का यूज करेंगे। अगेन फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब हम 9B पेंसिल का यूज करेंगे और जिगजैग डिजाइन में डिटेलिंग करेंगे। व्हाइट जेल पेन से और भी डिटेलिंग करेंगे। अपर आईलिड्स पर ग्रेफाइट पेंसिल से आईलाइनर की तरह डिजाइन देंगे और इसे ब्लेंडर से एक फाइन शेप देंगे, जिससे इसका टेक्सचर और भी नेचुरल लगेगा। अब हम आईलिड्स बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने 2B पेंसिल का यूज किया है। आईलिड्स बनाते समय हमें कर्व शेप देना है। इसी तरह हम 6B पेंसिल से कर्व शेप डालेंगे और राइट साइड आते आते आईलिड्स को स्मॉल साइज का करते जाएंगे। इसी तरह 8B से प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अब मोनो जीरो इरेजर से एक्स्ट्रा डिटेलिंग करेंगे। एट लास्ट 8B पेंसिल से डिटेलिंग करेंगे। Now our close eye is ready. Thanks for watching. Take care. Bye-bye.